दिव्यांग दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य में सरकारी संगठनों में पुरस्कार दिया गया। इसी क्रम में महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी विभाग नासिक में पदस्थ इंजीनियर सिद्धार्थ अशोक राव तांबे ने पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से स्वीकार किया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ अशोक राव तांबे ने संबंधित जानकारी दी। डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, पीएसयूज और ऑटोनोमस बॉडीज, सरकारी संगठन में पुरस्कार दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी जनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, पीएसयूज और ऑटोनोमस बॉडीज, सरकारी संगठन में पुरस्कार दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी नासिक महाराष्ट्र को इंजीनियर सिद्धार्थ तांबे इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। सरकारच्या सुगम्य भारत योजनेअंतर्गत नाशिक येथील 25 कार्यालय व सार्वजनिक ठिकाणी हे दिव्यांगांसाठी इझिली ॲक्सेसिबल करण्यासाठीचे काम आपण सार्वजनिक बांधकाम विभाग नाशिकमार्फत करण्यात आलेले आहे। या 25 ठिकाणी आपण त्यांना टॅक्टाईल टाईल्स, नंतर त्यांना इझिली ऑफिसेसमध्ये येण्यासाठी रॅम्प्स, नंतर रेलिंग्स, नंतर त्यांचे जे शौचालय वगैरे आहे ते पण आपण त्यांना रेलिंग्स आणि हे करून त्यांना वापरण्यासाठी सुयोग्य असे केलेले आहे। तसेच अंध व्यक्तींसाठी आपण टॅक्टाईल टाईल्स आणि सायनेजेस त्या 25 ठिकाणी आपण हे केलेले आहे।